राम राम भाई सारे भैया ने। भाई खरकला गांव में है आपा, और खरकला गांव कई रोज पहले कॉलेज में बड़का झगड़ा हुआ जिसमें एक मनीष नाम के लड़के का चोट लगी, फरसों से उसका चोट मारी गई, काटा गया। आज उसकी सुबह डेथ होगी और प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं करी। प्रशासन आ रहा जरूर है, एक बार नून घुमाइए भाई। ये आप देखो, ये आप देख सको हो, प्रशासन आम पब्लिक से गांव ग्राम में आवासीय से गांव वाला से बात करने लग रहे हैं। SHO साहब हैं, गांव वाला तो बात करने लग रहे हैं। मेन मुद्दा ये है कि भाई गिरफ्तारी होनी चाहिए, सभी आरोपियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। गिरफ्तारी तो नहीं हुई है, पूरा गांव आ गया है भाई की डेड बॉडी और रोड के ऊपर रख दी है। ये देख सको आप, रोड के ऊपर भाई की डेड बॉडी रख दी है। गाँव की मांग है जल्दी से जल्दी जितने भी आरोपी हैं इस केस में सबकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। पूरा गांव एक साथ एक तरफ हो रहा है, रोड जाम है सुबेरे से। गांव पूरी कोशिश कर रहा है कि बस जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी कराई जावे। प्रशासन अपना काम ईमानदारी से करे, ना कि प्रशासन के ऊपर कोई सवाल उठे। एक बार दे दे भाई, ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा प्रॉपरली, ध्यान से देखना आप। ये मेरे बिल्कुल सामने भाई मनीष की डेड बॉडी रख रखी है। गांव इकट्ठा है और गांव की मांग है जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी हुआ है। ये जो मेरे सामने बिल्कुल आप देखने लग रहे हो, गांव वालों से प्रशासन के नुमाइंदे SHO साहब है, बात करने लग रहा है। कैसे क्या रहेगा अगली अपडेट मैं जल्दी आप लोगों को दे दूंगा। गाँव वालों का क्या कहना है वो भी आप लोगों को दिखा देंगे। साथी हैं ये मेरे साथ जुड़ रहे हैं, क्या कहना चाहोगे भाई साहब? डेड बॉडी आ गई है, अब कब तक रखोगे यहाँ? भाई जब तक न्याय नहीं मिलेगा जब तक रखेंगे यहाँ। पूरे गांव की पुकार? हाँ, पूरे गांव की। तो गांव की जो विवाह होगी, बड़े बुजुर्ग बैठे नीचे, उनका जो फैसला होगा सर्वमान्य होगा, सबका यही फैसला होगा भाई। जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी अब तक लाश को नहीं उठाया जाएगा। यह बात है, इसकी जो बात है ना भाई, अपने गिरफ्तारी होनी चाहिए उन भैया की, जो जो भी थे जिसमें मर्डर में थे, जो न्याय होना चाहिए बस। बिल्कुल सभी भाइयों की एक ही बात है भाई, जब तक मान लो प्रशासन उनकी गिरफ्तारी नहीं कर लेता है तो तब तक ये पूरा गांव इसी तरह रोड पर जमा रहा होगा। इस भाई की डेड बॉडी यहीं रखी रहोगी, इस भाई को न्याय मिलना चाहिए, आरोपियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए, ये इस गांव की मांग है। तो भाई प्रशासन लगातार इनके टच में है। अब ये आप देख सकते हो, मैं आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूँ। ये SHO साहब हैं जो गांव वालों से बात करने लग रहे हैं, गांव वालों से मुलाकात कर रहे हैं। भाई क्या मामला है, क्यों करके होगा, आगे की बात अगली अपडेट में जल्दी देंगे। सारे भैया ने कहूँगा भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, और भाई